प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे कल चर्चा की थी कुछ कर्ज के बारे में, और मैंने ये बताया था कि कर्ज को समझने के कई तरीके हैं, यानी उनकी कई तरह की इक्वेशंस होती हैं। आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैंने बताया कार्टेशियन इक्वेशन, दूसरी होती है पोलर इक्वेशन, इनके बारे में तो हमने जिक्र किया था। इनके अलावा और इक्वेशंस भी होती हैं, कर्व्स को हम और तरीकों से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये होती है पीडल इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, आप इसको बिल्कुल साधारण भाषा में ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा है, उसको पेरेंट्स अलग नाम से पुकारते हैं, स्कूल में उसका अलग नाम है, फ्रेंड्स उसको अलग नाम से पुकारते हैं, यानी आइडेंटिटी तो एक ही है, इंडिविजुअल एक ही है, लेकिन उसके कई नाम है। इसी तरह से एक ही कर्व को समझने के कई सारे तरीके हैं, कार्टेशियन, पोलर, पीडल इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसके अलावा एक दो और हैं, जिसे मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो जहां तक कार्टेशियन इक्वेशन का सवाल है, आप अच्छी तरह समझ गए हैं। इसमें ये आपका एक्स है, ये वाई है, और वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है कर्व की। दूसरा हमने सिस्टम लिया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने इधर लिया इनिशियल लाइन और हमने एक इनिशियल लाइन पर एक पॉइंट ले लिया जिसको आप पोल कहते हैं। यहां पर बाइंडिंग है कि ये जो पोल होगा ये इनिशियल लाइन पर ही होना चाहिए, इनिशियल लाइन से हम बाहर नहीं ले सकते। और हमने कोई पॉइंट लिया स्पेस में, प्लेन पर, और इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई, ये एंगल थीटा हो गया। अब आर सम फंक्शन ऑफ थीटा, कहने का अर्थ है कि आर और थीटा में जो रिलेशनशिप है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, और इसको हम पोलर इक्वेशन ऑफ ए कर्व कहते हैं। अब आइए, तो ये दो तो हो गया, अब आया ये तीन, पीडल इक्वेशन। व्हाट इज पीडल इक्वेशन? देखिए, जैसे ये कोई कर्व है और आपने ये इनिशियल लाइन लिया, मान लीजिए इस कर्व पर आपने एक पॉइंट लिया, मूविंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए आर और थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट है, तो आपको पोल लेना पड़ेगा इनिशियल लाइन पर, ये पोल ले लिया आपने, इसको इससे मिला दिया, तो ऑब्वियसली ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, राइट? इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखिए, हम आर थीटा में कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर हम केवल आर और थीटा में कनेक्शन लेंगे तो वो तो आपकी पुरानी चीज हो गई, पोलर इक्वेशन हो गई। अब हम ले रहे हैं, एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट खींचा, अब इस टेंजेंट पर आपने इस पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये 90 डिग्री है, तो ये जो लेंथ हुई इसको आपने पी कहा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल अपॉन द टेंजेंट एट पी, तो ये लेंथ पी हो गई। अब आप पी और आर में कनेक्शन देखिए, पी सम फंक्शन ऑफ आर, दिस पी सम फंक्शन ऑफ आर, तो हमने थीटा को तो छोड़ दिया, पी और आर, यानी थीटा के स्थान पर हमने पी ले लिया, तो ये जो रिलेशनशिप है पी और आर में, ये कहलाएगी पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। इसको आप पी सम फंक्शन ऑफ आर भी ले सकते हैं और आर सम फंक्शन ऑफ पी भी ले सकते हैं, पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। कई जगह आप देखेंगे, कई क्वेश्चंस में, कई प्रॉब्लम्स में पीडल इक्वेशन से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब आया इंट्रिंसिक इक्वेशन।
इसमें इंट्रिंसिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इक्वेशन, ये इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि कोई बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी कर्व की, जो उस प्रॉपर्टी को कर्व से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हर व्यक्ति की कोई बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति की पहचान ही उसी प्रॉपर्टी से हो अगर, तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से किसी कर्व की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आपने मान लीजिए कर्व बनाया, देखो कर्व है। अब आप इस कर्व की, अगर कर्व है तो इसमें लेंथ जरूर होगी, लेंथ होगी तो लेंथ को नापने के लिए हमने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, यहां से हम लेंथ नाप रहे हैं, हमारा यहां से शुरू होगा। अब मान लीजिए आपने एक कर्व इतना लिया, तो ये कुछ लेंथ है, इस लेंथ को मैंने एस मान लिया। एस मींस लेंथ ऑफ दिस कर्व मेजर्ड फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, यहां तक, जहां तक भी आप लेना चाहे एस। तो यदि कर्व है तो उसमें लेंथ जरूर होगी, आप ये नहीं कह सकते कि कर्व तो है लेकिन उसमें लेंथ नहीं है। यानी एस जो है लेंथ ऑफ द कर्व, उसकी एग्जिस्टेंस कर्व की एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, इसको आप उससे अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई कर्व की। अब मान लीजिए आप यहां से यहां तक की लेंथ आपने एस लिया, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पर जहां तक आप लेंथ ले रहे हैं। अगर आप एस यहां तक लेंगे तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ होगा, ऐसा आप यहां तक लेंगे तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ होगा। मान लीजिए आपने यहां तक लिया तो ये आपका टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब आप एक फ्रेम रेफरेंस के लिए इनिशियल लाइन ले लिया, इनिशियल लाइन ले लिया, तो ये जो टेंजेंट है ये इनिशियल लाइन से जो एंगल बना रहा है उसको हम साई कहते हैं, साई एंगल है। अब देखिए इसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर कर्व है तो उसमें लेंथ भी होगी, और लेंथ है तो इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इनिशियल लाइन से इसका एंगल भी आप मेजर कर सकते हैं, साई। देखिए एंगल साई ये है, मैंने बिल्कुल नई चीज, नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है। अब आप इस एस में और साई में कोई संबंध आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करिए, पकड़िए, ढूंढिए कैसे मिलेगी। तो एस सम फंक्शन ऑफ साई, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फॉर्म है, ये कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। आपने देखा होगा एक कर्व है कैटेनरी, ये कौन सा कर्व होता है, हम जीवन में रियल लाइफ में अक्सर इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए दो बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे भी समझ सकते हैं। अब यहां पर बिजली के तार, बिजली तार है, बिजली सप्लाई हो रही है। आपने कभी नोट किया कि बिजली के खंभ जो तार होते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, थोड़ा इस तरह से होते हैं, झुके हुए। क्या कारण है, जबकि इसमें तो हमारा तार ज्यादा खर्च हुआ, फिर भी हम इसको ऐसे, उसका कारण यह है कि तार में वेट होगा, अगर हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखेंगे तो इसमें टेंशन होगी, तो ये इन पर प्रेशर पड़ेगा खंभों पर, और अगर ये खंभे कमजोर हैं तो उखड़ भी सकते हैं, सारा सिस्टम कॉलेप्स कर जाएगा। सिस्टम कॉलेप्स ना करे इसलिए हम इन तारों को थोड़ा झूलते हुए बनाते हैं, जिससे कि टेंशन इसमें कम, स्ट्रेस कम पड़े। तो ये जो फॉर्म है, नेकलेस की तरह भी समझ सकते हैं आप, बिजली के तार, टेलीफोन के तार, तो ये जो कर्व है ये कर्व कैटेनरी कहलाता है। हम मैकेनिक्स में, चाहे वो फिजिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, ये इस कर्व को स्टडी करते हैं। ये जो शेप है ये कैटेनरी कहलाती है, और इसको, इसकी सबसे इजी जो इक्वेशन है वो होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, सबसे आसान समीकरण है। यानी इस कैटेनरी को स्टडी करने का सबसे इजी तरीका है कि आप उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन को स्टडी करें, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया इंट्रिंसिक इक्वेशन का, इसके अलावा और भी बहुत सारे कर्व्स हैं। अब आइए पीडल इक्वेशन हो गया, इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन,
पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीटर, इसमें हम एक वर्ड ले रहे हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर भी एक वेरिएबल है। देखिए, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज आर स्क्वायर। क्या है ये? एक सर्किल है जिसका सेंटर है ये ओरिजिन। तो हमने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से लिया, ये सेंटर हो गया, और चूंकि आर है ये रेडियस, तो ये आपका रेडियस आर हो गया। बहुत इजी इक्वेशन है ये, तो कार्टेशियन फॉर्म है सर्किल की। अब हम इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे। इसमें पैरामीटर भी वेरिएबल है। देखिए, जैसे हमने की पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई, यानी आपने इसको परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक वाई हो गई। आप देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया है। लेकिन कोई नई चीज तो हमने अभी तक ली नहीं। अब नई चीज हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? मान लीजिए मैंने इसमें अब एक एंगल लिया थीटा। अब देखिए क्या होगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्किल सेम है तो रेडियस तो कांस्टेंट है। अब अगर इस पॉइंट को मैं मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मानी इस पॉइंट को यहां ले लिया, तो आर तो जो यहां पर है वो यहां पर भी है, यानी आर इज ए कांस्टेंट, आर फिक्स्ड है। लेकिन जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा सेंटर से, तो ये एंगल अब चेंज हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के लिए ये एंगल है, इस पॉइंट के लिए ये एंगल है, इस पॉइंट के लिए ये एंगल है। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम पॉइंट बदलेंगे इसकी सरकमफ्रेंस पर, वैसे वैसे एंगल बदलता जाएगा, एंगल भी चेंज होगा, यानी एंगल से हमको पॉइंट के लोकेशन का आइडिया मिल जाएगा। इसलिए हम इस एंगल को थीटा को पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर ये भी बदलेगा, यानी पॉइंट की पोजीशन के साथ साथ एंगल भी चेंज होता है, थीटा पैरामीटर हो गया। अब एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है, ये तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है। हमको एक नई तरह की चीज डिफाइन करनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हम कहेंगे एक्स और इस थीटा में संबंध, ये जो हमने एंगल लिया है, और वाई और थीटा में कोई संबंध, ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी सर्किल की, जहां पर थीटा हमारा पैरामीटर होगा, यानी एक्स सम फंक्शन ऑफ थीटा। एक्स और वाई डायरेक्ट ना रिलेटेड होकर के किसी के थ्रू रिलेटेड है। एक्स थीटा से कनेक्टेड है, वाई भी थीटा से कनेक्टेड है, और यदि हम थीटा को एलिमिनेट कर दें तो एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी, जो हमको कार्टेशियन फॉर्म देगी। अब यहां पर क्या इक्वेशन हो सकती है, अब देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। एक्स क्या आएगा यहां से, आर कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल, तो x आ जाएगा आपका r cos थीटा और y आ जाएगा r sin थीटा। इसमें आपको यह बात ध्यान देनी है कि r जो है वो कांस्टेंट है, r नहीं बदल रहा, थीटा बदल रहा है, इसलिए थीटा पैरामीटर है। और इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, x सम फंक्शन ऑफ थीटा, y सम अदर फंक्शन ऑफ थीटा। यहां देखिए cos है, यहां sin है, इसलिए यहां मैंने f का इस्तेमाल किया है, यहां मैंने f का इस्तेमाल ना करके g का इस्तेमाल। तो ये सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, जहां पर थीटा पैरामीटर है। इतना इजी है, देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन को समझ लो। और लीजिए पैरामीट्रिक इक्वेशन दूसरी, एक कर्व आप जानते हैं, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है पैराबोला, बड़ा कॉमन कर्व है पैराबोला। ये ले लेते हैं, मान लीजिए हम पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं। ये आपने पढ़ा, इसकी समीकरण होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या मतलब हुआ, हमने इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट कहीं ले लीजिए, ये ले लिया पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y। तो हम ये कहते हैं कि x और y इस तरह से कनेक्टेड है, कार्टेशियन इक्वेशन है ये। अब इसमें हम एक पैरामीटर डिफाइन करने जा रहे हैं, उस पैरामीटर को हम कहेंगे टी। टी इज ए पैरामीटर। अब हम कहेंगे x, यानी ये x कौन सा x होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया,
तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये डिस्टेंस वाई हो गई, ये हमारे एक्स एक्सिस हो गया। एक्स सम फंक्शन ऑफ टी वेयर टी इज द पैरामीटर, वाई सम फंक्शन ऑफ टी। अब क्या ले सकते हैं हम, इस तरह से इक्वेशन लेंगे कि अगर हम टी को एलिमिनेट करें तो आपस में ये आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ए टी स्क्वायर और यहां ले लिया टू ए टी। देखिए क्यों लिया, अभी आपके समझ में आ जाएगा। ए जो है इसमें, ए तो हम इसलिए ले रहे हैं इसमें ए, कि इसमें ये ए है, आपको मालूम है। अगर यहां पर ये फोकस है तो ये डिस्टेंस ए हो गई। अब हमने लिया एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, ए फिक्स है क्योंकि पैराबोला फिक्स है तो उसका ये फोकल लेंथ फिक्स होगी ए। टी इज दी पैरामीटर, यानी जैसे जैसे हम पॉइंट यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे यहां लेंगे तो टी की टी बदलता जाएगा, टी चेंज होगा। सर्किल के केस में थोड़ा डिफरेंट था, वहां एंगल था, यहां पर एंगल ना होकर के कोई और क्वांटिटी है, टी बदलेगा। अब हम कैसे मान लें कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की, हाउ डज इट रिप्रेजेंट पैराबोला। मान लीजिए आप टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, कैसे वो एलिमिनेट, टी इज इक्वल टू वाई अपॉन टू ए, यहां से आ गया और ये टी की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो देखिए क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ए और टी की वैल्यू रख दी वाई अपॉन टू ए होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है ये, तो ये आपका ए वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। देखिए आ गई क्वेश्चन, हाउ सिंपल एंड हाउ इजी, ये वाई स्क्वायर फोर एक्स पैराबोला आ गया। तो इसको हम कहते हैं एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू टू ए टी, यानी एक्स और वाई डायरेक्ट हमें नहीं मालूम कनेक्शन, लेकिन एक्स थ्रू टी वाई थ्रू टी। आप इसको साधारण जीवन में ऐसे भी समझते हैं कि टी जो है दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, ये दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक तीसरा है टी, एक्स और टी में फ्रेंडशिप है रिलेशनशिप है और वाई और टी में भी रिलेशनशिप है। यदि हम इसको हटा दें तो इसमें हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगी। इसका रियल लाइफ सिचुएशन सबसे इजी आगे समझिए, ये फादर है ये मदर है और ये उनका बच्चा है, तो डायरेक्ट यानी एक्स इज द फादर ऑफ टी, वाई इज द मदर ऑफ टी, और यदि इसको आप हटा दें तो एक इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया हस्बैंड वाइफ। सो ये तीसरा चीज आ गई पैरामीटर, पैरामीट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही और बहुत से कर्व्स हैं जिनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आप यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, इलिप्स लीजिए, आप देखिए इलिप्स हाइपरबोला, आप जानते हैं स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये सब इंटरमीडिएट के लेवल की चीजें हैं, इज इक्वल टू वन। अब इसमें एक्स और वाई में डायरेक्ट कनेक्शन मुझे मालूम है, लेकिन मैं अब इनका एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैंने ले लिया एक्स बराबर ए ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा। देखिए जरा क्या होगा पैरामीटर, थीटा, ए और बी कॉन्स्टेंट है। अब यदि आप थीटा को एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए आ जाएगा ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। अब यदि आप इसको सर्किल के पैरामीट्रिक इक्वेशन से कंपेयर करें, क्या आप अंतर पाएंगे, आपको लग रहा है तो एक ही जैसी हैं, केवल ए और बी का फर्क है, यहां पर ए है ये बी है, जबकि सर्किल में दोनों जगह ए है, और ये ओबीएस है। आप जानते हैं इलिप्स में अगर मैं ए और बी को सेम कर दूं, जब सेम कर देंगे ए और बी को तो ये बन जाएगा और यह इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगी, सर्किल इलिप्स विल रिड्यूस टू ए सर्किल। तो ये देखिए इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हाइपरबोला लीजिए, हाइपरबोला में यहां माइनस होता है, अब ये इक्वेशन तो काम नहीं करेगी, हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए sec theta और y इक्वल टू बी tan theta, पैरामीटर theta, यानी जैसे जैसे आप कर्व पर क्लिक कर रहे हैं आपका
अलग अलग पॉइंट लेंगे तो एंगल थीटा चेंज होगा। यहां भी देख लीजिए आप, एक्स अपॉन ए ये हो गया और वाई अपॉन बी ये हो गया, और आपको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू वन। हाइपरबोला आ गया। इसमें अगर आप फिर b की जगह a ले लें, यहां ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसमें a और b इक्वल होते हैं। तो देखिए ये हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, जहां पर थीटा पैरामीटर है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें लेते हैं हम, देखिए आपने अभी देखा ये आपका हाइपरबोला है, अगर a और b सेम ले, इसकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हम रेक्टेंगल हाइपरबोला ले रहे हैं और इसमें आपको मालूम है e इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अंडर रूट टू होती है ग्रेटर देन वन। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती है e वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए लिखा। अंडर रूट टू की वैल्यू आपको मालूम है 1.4, एक से ज्यादा होती है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक और स्पेशल केस है, मान लीजिए हम इसको रोटेट कर देते हैं सिस्टम को, पूरे सिस्टम को 45 डिग्री से, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी रेक्टेंगुलर, दोनों में क्या फर्क है, इस पूरे सिस्टम को 45 डिग्री से हमने घुमा दिया। यदि आप इसको 45 डिग्री से घुमा दें तो ये दिखाई देगा। अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ट्वेल्थ में ये समीकरण भी आती है, रेक्टेंगुलर ये अलग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन है ये, कार्टेशियन इक्वेशन, एक्स वाई में रिलेशनशिप है। अब मान लीजिए हम इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपने एक्स इज इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी अपॉन टी, जहां पर t पैरामीटर है, जैसे कि पैराबोला में था। यानी क्या मतलब हुआ, x सम फंक्शन ऑफ t एंड y सम अदर फंक्शन ऑफ t, t के थ्रू अगर मैं t को एलिमिनेट करूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू, ये t कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर आ गया, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम बहुत आसानी से कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको पैरा, और भी बहुत सारे कर्व हैं, और कुछ कर्व तो आप ऐसा पाएंगे हायर एनालिसिस में, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन तो आपको डिफिकल्ट लगेगी बहुत समझना, और पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत इजी लगेगी। बहुत से ऐसे कर्व्स हैं, जैसे साइक्लॉइड एक कर्व है, बहुत ही यूजफुल कर्व है साइक्लॉइड, मैकेनिक्स में हम बहुत इसकी स्टडी करते हैं। तो साइक्लॉइड की कार्टेशियन इक्वेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जबकि पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। तो साइक्लॉइड कर्व बता देता हूं मैं आपको क्या होता है, देखिए साइक्लॉइड एक ऐसा कर्व है, मान लीजिए पहली बात तो साइक्लॉइड से क्या लग रहा है आपको, साइकिल याद आ रहा होगा, साइकिल, साइकिल का पहिया, उसी से रिलेटेड कर्व है। आपको मालूम है कि ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, जमीन पर चल रहा है, ये रोड है, ये आपका पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो साइकिल के परिधि पर भी है और रोड पर भी है। अब जैसे जैसे ये पहिया आगे को मूव करेगा, आगे को जा रहा है, तो ये पॉइंट मान लीजिए इसको पहचानने के लिए इस साइकिल के इस पॉइंट पर आपने कोई निशान लगा दिया जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब ये पॉइंट जैसे मूव करेगा तो जो कर्व बनेगा वो साइक्लॉइड है। अब आप देखिए जैसे जैसे पहिया आगे जाएगा क्या होगा, ये पॉइंट ऊपर होगा और जब पूरा राउंड लगा लेगा तो इस तरह से कर्व बनेगा। देखिए ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये है, ये यूं आएगा और जब ये पॉइंट यहां चला जाएगा उसके बाद तो नीचे ही आना है, यानी फिर ये नीचे आएगा, इस तरह से ये साइकिल है। देखिए ये है साइक्लॉइड कर्व, बहुत यूजफुल कर्व है साइक्लॉइड। इसकी
आप सबसे आसान स्टडी करने का तरीका है पैरामीट्रिक इक्वेशन थीटा के साथ। कार्टेशियन तो आप निकाल ही नहीं सकते इसकी, या निकाल भी पाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए। अब लीजिए एक दो चीजें और लेते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, क्योंकि ये बहुत यूज होती है इसलिए आपको इसको निकालना आना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही इजी है, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक। कोनिक में हम तीन केस लेते हैं, एक लेते हैं पैराबोला, दूसरा लेते हैं इलिप्स और तीसरा लेते हैं हाइपरबोला। और मैंने आपको इनको याद करने का तरीका भी बताया था। अक्सर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें क्या फर्क है और कैसे याद करें, तो वो तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए, जो कोनिक हम डिफाइन करते हैं, कोनिक को डिफाइन करने का रूल ये है, एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट माने बदल नहीं रहे भाई, जहां हमने ले लिया वहीं रहेगा। ये हमने मूविंग पॉइंट ले लिया पी, एक हमने फिक्स्ड लाइन ले ली, माइंड इट, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन। अब ये पॉइंट पी ये मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये बकरी है, अब बकरी जैसे भी घूम जहां मर्जी वहां घूमे। हम इसके मोशन को रेगुलेट करना चाहते, हम चाहते हैं कि अब हमारे हिसाब से मूव करें, तो हम इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? हमने इसका गले में एक रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा यहां बांध दिया और इस तरह से दो ले लिए हमने, यानी रस्सी अब इस तरह से ली, यहां लिया गले में बांधा और यहां ले आए, राइट। अब इस पॉइंट की ये हमने एस ले लिया, फिक्स पॉइंट एस, अभी का नामकरण भी करना पड़ेगा नेचुरली। ये है मूविंग पॉइंट, ये है फोकस जो फिक्स पॉइंट है, और इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है हिंदी में, नियता, नियत है, फिक्स है। इस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से दूरी पीएस, इसी पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से दूरी पीएम, पीएस अपॉन पीएम, ये एक रेशो आ गया, ये रेशो कांस्टेंट है, फिक्स है। इसी रेशो को ई डिफाइन किया जाता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। सो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। इंटरेस्टिंग चीज ये है यहां पर, आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये फिक्स है तो ये सारी दूरियां फिक्स होंगी, ऐसा नहीं है, दूरियां बदल रही हैं लेकिन उनका रेशियो फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपने कहा ये एक फुट है, ये दो फुट है, यानी ये पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से एक यूनिट दूरी पर है और ये दो यूनिट दूरी पर है, तो इसका रेशियो हो गया एक बटा दो। अब ये पॉइंट दूर चला गया, यहां पर बकरी यहां से उठ के यहां चली गई, मूविंग पॉइंट है, तो ये दूरी मान लिया दो हो गई, दो यूनिट दो फिट, और ये हो गई चार, तो दो बटे चार, देखिए रेशियो तो सेम है। ये पॉइंट और दूर चला गया, ये हो गया तीन फिट, और मान लीजिए ये छह फिट हो गया, देखिए डिस्टेंसेज आर चेंजिंग बट देयर रेशियो इज कॉन्स्टेंट, ये ही रेशियो ई कहलाता है। और कोनिक में ई डिफाइन किया है तभी कोनिक बनता है। अब कोनिक ये रेशो क्या हो सकता है? आपको मालूम है कि रेशो जो है रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर में तीन केस हो सकते हैं, ई की वैल्यू या तो एक होगी रेशो, या ई की वैल्यू एक से कम होगी, या ई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, इसके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज ए रियल नंबर। रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम, मैं और आप दो दो व्यक्ति हैं, हमने एज, मेरी उम्र एक्स ईयर है, आपकी उम्र वाई ईयर, मान लीजिए इनका जो रेशियो होगा एक्स अपॉन वाई, क्या हो सकता है? तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मेरी उम्र और आपकी उम्र बराबर है, जब बराबर होगी तो वो रेशियो वन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है मेरी उम्र आपसे ज्यादा हो, अगर मेरी उम्र आपसे ज्यादा है आपकी उम्र से ज्यादा है तो वो रेशियो एक से ज्यादा होगा, वो भी ऐसे। और मान लीजिए ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि मेरी उम्र आपकी उम्र से कम होगी, उस केस में रेशियो एक से कम होगा, इसके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती।
तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी, तो e की वैल्यू केवल ये तीन ही में से कोई होगी। अब अगर e बराबर वन है तो वन इंग्लिश में बराबर के लिए एक वर्ड आता है पार, पार माने बराबर, तो ये हो गया कोनिक बनेगा, वो पैराबोला बनेगा, इज इक्वल टू वन। और हाइपर, हाइपर माने अधिक, आपने देखा होगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जैसे जिन लोगों, एक हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए टेंशन होना जरूरी है, उससे ज्यादा टेंशन होगी तो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है बोलते हैं, तो उसको टर्मिनोलॉजी हाइपर टेंशन का पेशेंट है। हाइपर टेंशन माने जितनी टेंशन रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, यानी हाइपर वर्ड ज्यादा के लिए यूज होता है। तो क्या होगा, ई ग्रेटर देन वन, ज्यादा, ई एक से ज्यादा है, हाइपर बोला, भूलने का सवाल ही नहीं है। अब बचा क्या, इलिप्स, ई लेस देन वन में इलिप्स। अक्सर स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इलिप्स में वो कभी कह देते हैं ई एक से ज्यादा है, वो गलत हो गया। याद करने का तरीका है, इक्वल टू वन माने पैराबोला, हाइपर में हाइपर का मतलब ही ज्यादा है तो ई एक से ज्यादा, अब जो बचा हुआ इलिप्स, ई लेस देन वन, कितना इजी है देखिए। अब पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, कोनिक शब्द लिया मैंने, इसमें तीनों आ सकते हैं, डिराइव करूंगा। अब देखिए उसके लिए हमने क्या लिया, एक इनिशियल लाइन ली, ये हमने कोनिक ले लिया, कोनिक शब्द कहा है मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने पैराबोला नहीं कहा, इलिप्स नहीं कहा, कुछ भी हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन ई। हमने एक ही डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ये हमने फोकस ले लिया, इसको हम एस कहते हैं फोकस को। अच्छा एक चीज और भी, अक्सर हमें ये कंफ्यूजन रहता है, मान लीजिए कोई कर्व है, ये फोकस है, हमने कहा कॉर्ड ऑफ ए कर्व, कॉर्ड ऑफ ए कर्व माने ये कॉर्ड हुए, कॉर्ड ऑफ ए कर्व, आपसे कहा जाए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मींस वो कर्व, वो कॉर्ड जो फोकस से होकर जाए, यानी ये फोकल कॉर्ड, ये आप, और ये फोकल कॉर्ड हो गई, और वो फोकल कॉर्ड जो इस पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं, ये लेटस रेक्टम कहलाता है, लेटस रेक्टम। तो मैंने तीन शब्द इस्तेमाल किए, एनी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड माने वो कर्व, वो कॉर्ड जो फोकस से जा रही है, और वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पर, ये एक्सिस है परपेंडिकुलर है, ये लेटस रेक्टम हो गया, और चूंकि ये आधा है सेमी लेटस रेक्टम, तो मैंने इसमें क्या किया, ये उठा दिया, ये सेमी लेटस रेक्टम एल हो गया। हम एक्चुअली प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि किसी भी कोनिक की पोलर इक्वेशन एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा होती है। ई आप समझ गए, ई माने इसेंट्रिसिटी, और आर थीटा उसके पोलर कोऑर्डिनेट है, तभी तो पोलर इक्वेशन में स्टडी कर रहे हैं, और एल जो है वो लेट सेमी लेटस रेक्टम है, सेमी मींस हाफ, ये लेंथ एल है। हम बहुत आसानी से रिलेशन प्रूव कर देंगे, आप देखिए बहुत इजी है, एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। अब हमने इस कोनिक पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिया पॉइंट पी, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए आर और थीटा, यानी इसको आपने इससे मिला दिया, तो ये दूरी आर हो गई और ये एंगल थीटा हो गया। इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्यों, क्योंकि हमारे लिए रहता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आप देखिए इसमें कैसे हम करें, इसको हमने मान लिया कि ये हो गया सपोज ए एम, यानी जहां पर ये पॉइंट काट रहा है इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मान लिया हमने सपोज जी। अब देखिए मैं कनेक्ट कर दूंगा आपस में क्वांटिटीज को, और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक। आप इसमें देखिए पहले एस के, एस के मैं एक्चुअली व्हाट इज माय आइडिया करने में क्या जा रहा हूं, मैं दूरियों को कनेक्ट कर दूंगा आपस में, कैसे देखिए ये डिस्टेंस, और अगर मैं ये डिस्टेंस दोनों जोड़ दूं तो ये डिस्टेंस मिल करके ये पूरी डिस्टेंस हो गई, राइट। और ये, अब इनको जोड़ने के लिए यदि मैं एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर दूं यहां पर, तो जो ये डिस्टेंस है वही ये भी डिस्टेंस है,
इसमें और इसमें रेशियो ई आ जाएगा। एस के देखिए पहले, एस के बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये थीटा एंगल है, आर थीटा लेना तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको पोलर कोऑर्डिनेट स्टडी करने हैं, तो आर थीटा तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा पहले देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एस के अपॉन आर, तो एस के कितना आ गया, अब देखिए ये डिस्टेंस हमने अभी निकाली जीएम, जीएम बराबर आपका आ गया एल अपॉन ई, जीएम इज इक्वल टू आ गया। अब ये जो जीएम है ये इसके बराबर है एस ए के बराबर, और एस ए कितना है आपका एस के ए प्लस के ए, तो एस के था आपका आर कॉस थीटा प्लस के ए था आर अपॉन ई इज इक्वल टू जीएम दैट इज एल अपॉन ई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां ई आ गया, और यहां पर आर है, आर कॉमन ले लिया तो ये वन हो गया। अब इस आर को आप यहां डिनोमिनेटर में ले आइए, देख लीजिए एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, हाउ सिंपल इट इज। अब कोनिक कह रहा हूं मैं, अब ये क्या होगा, पैराबोला होगा कि इलिप्स होगा, ये ई पर डिपेंड करेगा, ई की वैल्यू एक है तो ये पैराबोला हो जाएगा, उसमें ये हट जाएगा ई वन हो जाएगा, एक से कम है तो इलिप्स हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो हाइपरबोला हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आपने देखा कि इनको स्टडी करना कितना इजी है, बस आपने इनकी प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर देना है। थैंक यू।